सत श्री अकाल फ्रेंड्स, प्रीत DIY में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के फ्रिटर्स। तो चलिए इसकी रेसिपी हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसके लिए चाहिए एक बड़ा बैंगन। बैंगन ले रही हूँ मैं हरे रंग का, और इसमें हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, हल्दी, नमक, बेसन ले रही हूँ, और साथ में गरम मसाला। इसमें आप चाहे तो अपनी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब हम बैंगन के टुकड़े कर लेंगे। मैं बैंगन को चाकू की मदद से पतले पतले स्लाइसेस में काट रही हूँ। बिल्कुल बारीक और पतले स्लाइसेस चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम मोटा लेंगे तो उसे पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह के हम पतले पतले बिल्कुल बारीक स्लाइसेस ले लेंगे। इसी तरह हम पूरे बैंगन को पतले पतले स्लाइसेस में काट कर एक साइड में रख लेंगे। देख सकते हैं आप कि कितना पतला स्लाइस ले रही हूँ मैं। अब हम एक प्लेट में सारे जितने भी हमारे जो बेसन था, कॉर्नफ्लोर, गरम मसाला, हल्दी, हम उन सबको ले लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए, मेरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ही आपका पतला मिक्सचर होना चाहिए। इस मिक्सचर में हम एक एक करके जो हमने बैंगन के स्लाइसेस काटे थे उसे डिप करते जाएंगे। दोनों तरफ से डिप करना है हमें। मैंने तवा चढ़ा लिया है, तवा गर्म हो गया है। नॉन स्टिक पैन लेंगे हम, क्योंकि नहीं तो हमारे बैंगन के जो फ्रिटर्स हैं वो चिपक जाएंगे। मैं घी ले रही हूँ, इस पर तवे पर घी लगा दिया है मैंने। अब एक एक करके हम बैंगन के जो हमारे स्लाइसेस रेडी हो गए हैं उन्हें हम तवे पर इस तरह से कोटिंग करके रखते चले जाएंगे। देखिए, सारे बैंगन के फिटर्स मैंने इसमें रख दिए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये बना है कि नहीं। अगर ये चिपक रहा है तो आप इसे थोड़ी देर और तवे पर रहने दीजिए। मैंने पलट लिया है सबको, ये पक गए हैं। दूसरी तरफ से भी ये पक चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी पीस कच्चा ना रह जाए। तो इन्हें पलट पलट के हमें कम से कम हमें 5 या 6 मिनट तक इन्हें एक साइड पे पकाना होगा। अब मैं इन्हें ढक कर रख रही हूँ, उससे ये और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अब दोनों साइड से पक चुका है ये हमारा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सबको चेक कर रही हूँ और प्लेट में निकालती जाऊँगी। और इसी तरह से हम सारे बैंगन के फिटर्स रेडी करेंगे। ये देखिए, ये हमारे बैंगन के फिटर्स रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।